9 दक्षिण अमरीकी देशों में फैला है अमेज़न वर्षावन, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। इसके एक एक कण पर जिंदगी की बहार है। यहां 25 लाख प्रजातियां अपने आश्रय, खाने और पानी के लिए होड़ लगाती हैं। लेकिन वर्षावन में भी गर्मियों का मौसम आता है, जो कुछ जीवों की जान ले लेता है तो कुछ जीवों को जूझने पर मजबूर कर देता है। ये शिकार को सीधे शिकारी के सामने ला खड़ा करता है। गर्भवती माएं बेचैनी से खाना तलाशती हैं और पिता अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में जब पानी कम हो जाता है तो जिंदा बचने की उम्मीद भी ना के बराबर हो जाती है। सर्वाइविंग द अमेज़न, द ड्राई सीजन। ये इतना जबरदस्त इकोसिस्टम है कि इसका अपना अलग मौसम है। पूरे अमेज़न जंगल में लाखों पेड़ हवा में नमी घोलते हैं, जिससे बनते हैं बारिश के काले कजरारे बादल। और इस तरह यहां हर साल होती है 3000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश। लेकिन जून से नवंबर तक के 6 महीनों में बारिश कम होती है। छिटपुट हुई तो हुई। गर्मियों के मौसम में अमेज़न नदी का पानी करीब 7 मीटर नीचे चला जाता है। तब छिपने की जगह सिकुड़ जाती है और ऐसे में शिकारी और शिकार मजबूरी में आमने सामने आ जाते हैं। कैपिबारास गिनी पिग के रिश्तेदार हैं, दुनिया के सबसे बड़े कुतरने वाले जीव। जंगल का हर बड़ा जानवर इनकी दावत उड़ाना चाहता है। विशाल बिल्लियां जमीन पर इनका शिकार करती हैं, जबकि हार्पी ईगल आसमान से इनके मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। इसके पंखों का फैलाव 2 मीटर से ज्यादा होता है और ये दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षी हैं। इस मौसम में कैपिबारा के बच्चे खास तौर पर निशाना बनते हैं, जैसे करीब 3 महीने के ये बच्चे। कैपिबारा साल भर प्रजनन करते हैं, पर जो बच्चे गर्मियों के मौसम में पैदा होते हैं उन्हें जिंदगी के कुछ महीने लगातार मौत से जूझना पड़ता है। इनमें से 1/3 ही अपनी पहली सालगिरह मना पाते हैं। ये छोटे समूहों या हरम में रहते हैं, जिनमें करीब 1 दर्जन मादाएं होती हैं और 1 मुखिया नर। इस युवा नर का ये साल अच्छा नहीं रहा। ये एक ही बार मिलन कर पाया है और इनका ये एक ही बेशकीमती बच्चा पैदा हुआ। इसलिए ये कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहता है। कैपिबारास तैरने में माहिर होते हैं,
वैसे भी ज्यादातर हमलावरों से बचने के लिए नदी में चले जाना अच्छा रहता है। लेकिन आज तो पानी में भी मौत मंडरा रही है। एक भूखा केमन खाने की तलाश में आगे बढ़ रहा है। बीते 8 करोड़ सालों से पानी में इसका राज है, यानी ये इस नदी से भी पुराना है और अमेज़न में पानी का चोटी का हमलावर है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर इसके करीबी रिश्तेदार हैं। केमन करीब 5 मीटर लंबा और 400 किलो वजनी हो सकता है। ऐसे भीमकाय जानवर के लिए नन्हा कैपिबारा बस नाश्ते जितना ही होगा, पर यह नाश्ता भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि नर अपने इकलौते बच्चे पर कड़ी निगाह रख रहा है। केमन डायनासोर के जमाने से शिकार कर रहा है और ये बहुत धीरज रखने वाला शिकारी है। ये हमले के लिए सही मौके का इंतजार करेगा। हालांकि केमन हवा में सांस लेता है, पर एक बार में ये पानी में करीब 1 घंटे तक छिपा रह सकता है। ये अपने दिल की धड़कनों को सुस्त करके 2 से 3 धड़कनें प्रति मिनट पर ले आता है। इस तरह ऑक्सीजन की जरूरत कम हो जाती है। ये हमेशा धीरे धीरे और खामोशी से आगे बढ़ता है। अपने शिकार के करीब आता जाता है। चूंकि कैपिबारा की पसीने की ग्रंथियां अभी ठीक से तैयार नहीं हुई हैं, इसलिए अचानक इसे गर्मी लगने लगती है। दोपहर को गर्मी बढ़ जाती है तो कैपिबारा ठंडक हासिल करने के लिए नदी में उतरते हैं और केमन के लिए यही मौका होता है कि वह झपट्टा मार दे। गर्मियां शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं। पानी बुरी तरह सूख चुका है। नदी में पानी का स्तर आधा हो चुका है। नदी पानी में रहने वाले जीवों की जेल बन गई है। जहां जहां पानी ने छोटे छोटे पोखर का रूप लिया है, वहां छोटे छोटे पूल बन गए हैं और वहां मछलियां जमा हो गई हैं। जब इन पोखरों का पानी गर्म हो जाता है तो इसमें ऑक्सीजन घट जाती है। ऐसे में इसमें फंसी हुई मछलियां दम घुटने से मर जाती हैं। पर ये मरी हुई मछलियां बेकार नहीं जाती। इन पर अमेज़न के चोटी के मुर्दाखोरों की निगाहें बहुत पहले से थीं। ब्लैक वल्चर्स 300 मीटर ऊपर उड़ान भरते हुए भी सड़ते हुए जानवरों को देख लेते हैं। और बस फौरन ही इनकी भूखी टोली टूट पड़ती है। लैटिन में वल्चर शब्द के मायने हैं चीर फाड़ करने वाला, और यही तो ये करते हैं, जबरदस्त चीर फाड़। इनमें आपस में बहुत छीना झपटी मचती है। खाने के लिए ये अपने साथियों से जमकर लड़ते हैं।
आपको भले ही घिन आ रही हो, पर ये बेरहम मुर्दाखोर जंगल की सफाई का बड़ा काम करते हैं। ये गिद्ध सड़ती हुई मछलियों को इसलिए पचा पाते हैं क्योंकि इनके पेट में खास तौर पर एसिड तैयार होता है। इनके बिना यहाँ भयानक जीवाणु पैदा हो जाएंगे और भोजन श्रृंखला में फैल जाएंगे। गर्मियों के मौसम में ये भी खाने की कमी से जूझते रहते हैं। एक युवा मादा इस छीना झपटी में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए ये अपना पेट भरने को कोई और चीज ढूंढ रहा है। एक कॉलर्ड प्लवर को फौरन समझ में आ गया है। इसे पता है कि ब्लैक वल्चर्स सिर्फ मुर्दाखोर ही नहीं होते, मौका परस्त भी होते हैं। इनकी निगाह जिस पर पड़ी उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। प्लवा अपने खुले घोंसले की रखवाली कर रही है। इसने बस दो अंडे दिए हैं। गिद्ध इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर गिद्ध ने अंडे चुराने का फैसला किया तो ये प्लवा इसके सामने नहीं टिक पाएगी। पलक झपकते ही दोनों अंडे सफा चट कर लिए जाएंगे। इसके साथी का भी कोई अता पता नहीं है। अब जो करना है इस पिता को ही करना है। गिद्ध आगे बढ़ रहा है और इसके पास बस एक ही रास्ता बचा है, ध्यान भटकाना। ये अंडों की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। ये गिद्ध के सामने यहां वहां भाग रहा है। बहुत तेज रफ्तार से ये अपने घोंसले से दूर चला गया है। अगर ये तरीका कारगर ना हुआ तो ये बेचारा क्या करेगा। गिद्ध चकरा गया है। उसने सोचा कौन चक्कर में पड़े, बेहतर तो होगा इस मछली की ही दावत उड़ा ली जाए। प्लवर की सूझबूझ से इसके अंडे सही सलामत बच गए हैं। सिर्फ गिद्ध ही गर्मियों के मौसम का फायदा नहीं उठाते। जब पानी घटता है तो अमेज़न का सबसे ज्यादा खतरे में पड़ा जानवर अपने बच्चों को तैरना सिखाता है। दुनिया के जंगलों में करीब 1000 जायंट रिवर ऑटर्स ही जिंदा बचे रह गए हैं। साल का ये वक्त इनकी अगली नस्ल के कामयाब होने के लिए बहुत मायने रखता है। इस परिवार में करीब 6 महीने के 2 नन्हे शावक हैं। अगर इन्हें बड़ों की दुनिया में कदम रखना है तो 2 हुनर जल्दी से सीखने होंगे। पहला है तैरना और दूसरा मछली पकड़ना। ये हवा में सांस लेते हैं, ऐसे में पानी के अंदर देर तक गोताखोरी करना तब अच्छी तरह सीखा जा सकता है जब नदी में पानी कम हो। जब नदी का पानी घटता है तो इनका मुख्य शिकार पिराना और कैटफिश जैसी नदी की मछलियां छोटे दायरों में सिमट कर रह जाती हैं और उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। आज का अभ्यास अच्छा चल रहा है। परिवार के अनुभवी सदस्यों की निगरानी में शावक जल्दी ही सीखने लगे हैं।
लेकिन उन्हें सीखने की ये रफ्तार कायम रखनी होगी। अगर वो जल्दी ही तैरने में माहिर नहीं हो पाएंगे तो खतरे में पड़ सकते हैं। जब बारिश का मौसम आएगा तो नदी में उफान आ जाएगा, पानी का बहाव ज्यादा तेज और खतरनाक हो जाएगा। बारिश के मौसम में ये पूरा परिवार शिकार के लिए लंबी दूरी का सफर करेगा। तब इनका सामना केमन्स और दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडाज से भी होगा। धीरे धीरे ये अपने स्थानीय नाम के मुताबिक बन जाएंगे, यानी रिवर वुल्फ या वाटर जैगुआर। जायंट रिवर ऑटर्स पीछा करने वाले शिकारी हैं, जो अपने शिकार को खत्म करके ही मानते हैं। एक मोटी मांसल पूंछ और नाखूनों वाले जालीदार विशाल पंजे इन्हें बहुत फुर्तीला बनाते हैं। ये अपनी एक खास मांसपेशी से अपनी आंखों को बड़ा कर लेते हैं, जिससे पानी के अंदर इनकी नजरें तेज हो जाती हैं। इनके गलमुच्छे शिकार के कंपनों को एंटीना की तरह पकड़ते हैं। घने फर की वजह से तैरने के दौरान भी इनकी चमड़ी पर पानी ठहर नहीं पाता। लेकिन ये मोटी मखमली खाल इनकी मुसीबत भी बन गई थी। 40, 50 और 60 के दशक में इनका इतना ज्यादा शिकार किया गया कि ये खत्म होने के कगार पर पहुंच गए। इस दौरान करीब 24,000 जायंट ऑटर की स्किन यूरोप और अमेरिका भेजी गई और उनसे कपड़े बनाए गए। इनकी तादाद घटती चली गई। इस मुश्किल दौर में भी कहीं कहीं गिने चुने ऑटर्स बचे रह गए। परू में अमेज़न नदी का यह हिस्सा ऐसी ही जगह थी। अगर इस प्रजाति को आने वाले दौर में बचे रहना है तो हर नई नस्ल मायने रखती है। इस समय नदी में इतना कम पानी है कि बची खुची मरती हुई मछलियां एक छोटे दायरे में सिमट कर रह गई हैं। ऐसे में इन्हें खाने वाले जानवरों की चांदी हो गई है। लेकिन जो जानवर जंगल में रहते हैं उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस मौसम में तो फल भी नहीं मिलते। कई जानवरों को भूखा रहना पड़ रहा है। ये है एक मादा वुली मंकी जो अपनी टोली के साथ सफर पर निकली है। इस मौसम में इनकी भूख बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये अब बच्चे को जन्म देने वाली है। इसका बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। इसे गर्भवती हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये वो समय है जब इसे मजबूत और तंदुरुस्त रहना होगा। वूली मंकी दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े प्राइमेट हैं और ये बहुत ही पेटू होते हैं। इनकी सारी खुराक फलों से ही पूरी होती है। जब खाना खूब मिले तो ये 100 अलग अलग तरह के फल खाती है। लेकिन ये मुश्किल वाला मौसम है, कहीं कुछ नहीं है। शुक्र है कि ऐसे मुश्किल वक्त में एक पेड़ है जो इसका सहारा बन रहा है, अंजीर का पेड़। ये वर्षावन के उन चुनिंदा पेड़ों में से एक है जिनमें साल भर फल लगते हैं। इस गर्भवती वोली मंकी और इसके पेट में पलते बच्चे के लिए ये डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। अंजीर के पेड़ की तलाश में जानवर कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये है ब्राउन कैपोचिन मंकी जो पूरे जंगल में अंजीर की खुशबू का पीछा कर रहे थे।
ये शांति से अंजीर के छतनार पेड़ पर दावत उड़ा सकते हैं। यहाँ इतनी जगह है कि कोई किसी को तंग नहीं करता। लेकिन जब भूली मंकी भी यहां आ गए तो उनसे आकार में आधे होने की वजह से कैपुचिन को अलग हटना पड़ा। वोली मंकीज फल खाने के बाद अपने मल से जंगल में 800 से ज्यादा बीज बिखेर देते हैं और ऐसे ही जंगल में अंजीर के नए पेड़ उगते हैं। अंजीर के पेड़ का एहसान ये इस तरह से चुकाते हैं। सचमुच अंजीर का पेड़ साल भर फल उगाने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करता है। ये जितने भी फल उगाते हैं सब मायने रखते हैं। जो जमीन पर गिर जाते हैं वो बेकार नहीं जाते, इकोसिस्टम में अपना योगदान करते हैं। जंगल का एक नन्हा सबसे मेहनतकश बाशिंदा है लीफ कटर एंट। ये बड़ी ताकत लगाकर इन गिरे हुए फलों को जमा करती हैं। अपने नाम से अलग ये सिर्फ पत्तियां ही नहीं खाती, ये पौधों के किसी भी हिस्से को खा सकती हैं। ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं, इसलिए गिरे हुए अंजीर को उठाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इनकी एक बस्ती में लाखों चींटियां होती हैं। ये बहुत ही पेचीदा बस्तियां होती हैं। ये रोजाना खाना जमा करती हैं, जो कुछ भी मिलता है उसे काट कर जमा करती हैं और घोंसले में वापस ले जाती हैं। पर ये इनके खाने के लिए नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग जैविक रचना के लिए है, फफूंद के लिए। जमीन के बहुत अंदर अपने घरों में इन नन्हे किसान जीवों ने बीते 1.5 करोड़ सालों में एक बहुत ही खास तरह के सूक्ष्म जीव को पालतू बना लिया है। फफूंद पत्तियों को खाती है और चींटियां इस फफूंद को। गर्मियों का मौसम इनके पौधों के लिए बहुत मायने रखता है। इसी मौसम में इन्हें फफूंद के अपने खेतों को बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ता है। जल्दी ही बस्ती में नई रानियां पैदा हो जाएंगी। ऐसी हर चींटी घोंसले से दूर उड़ जाएगी। इसके मुंह में होगा फफूंद के बागीचे का एक टुकड़ा, जिससे ये नई बस्ती बनाएगी। पहले से बहुत सारा खाना जमा करना इनके लिए जरूरी होता है, ताकि नई रानियों का पेट भर सके। चूंकि इन दिनों बारिश बहुत कम होती है, इसलिए चरने का खूब समय मिलता है और खूब सारी पत्तियां जमा करके चींटियां फफूंद के लिए ले आती हैं। चींटियों का ये खेल जारी है। ठीक इसी तरह नदी में केमन का भी खेल जारी है। इसकी निगाहें नन्हे कैपिबारा पर अब तक टिकी हैं। इस वजह से पिता को तनाव हो रहा है। कैपिबारा को एक दिन में 3 किलो खाना चाहिए। इस इलाके को सफाचट किया जा चुका है। जंगल में जाने का मतलब है हमलावरों का सामना करना, इसलिए नदी के सहारे आगे बढ़ना सही रहेगा। केमन को भी यही लग रहा है कि कैपिबारा आसपास रहे और ये उसका शिकार कर सके। ये बहुत धीरज के साथ घात लगाता है, इतना धीरे कि शिकार को पता भी ना चले। हमले के सही पल का इंतजार करता हुआ नन्हा कैपिबारा केमन के लिए एक अच्छा नाश्ता है। इसके मम्मी पापा से कौन पंगा ले। एक आगे है दूसरा पीछे, बच्चा बीच में सुरक्षित है। लेकिन अचानक इसका ध्यान भटक गया है और ये नदी के किनारे के बहुत पास आ गया है। इसका मतलब ये है कि केमन इसका शिकार आसानी से कर सकता है।
डैडी ने सोचा कि डुबकी लगा ली जाए। वो अपनी नन्ही बेटी को भी पानी में आने को उकसा रहा है। मम्मी उसके पीछे है, पर बच्ची को घबराहट हो रही है। वो किनारे पर ही रुक गई है, जबकि इसके मम्मी पापा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। केमन के लिए धीरज का फल मीठा होने वाला है। अपनी मजबूत दुम को थोड़ा सा ही फटकार कर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। कुछ ही सेकंड में ये किनारे पर पहुंच जाएगा। जान बचानी है तो इस नन्ही कैपिबारा को आगे बढ़ना होगा। वो नदी में उतर गई है। केमन का लंबा इंतजार बेकार चला गया। शायद अगली बार काम बन जाए। एक तो नाकामी, ऊपर से ये परेशानी। देखिए किस तरह ग्रीन हॉर्स फ्लाइज इसके माथे पर उधम मचाते हुए दावत उड़ा रही हैं। अपने आरी नुमा मुंह से ये केमन की मोटी चमड़ी को काट लेती हैं। और इसका खून पीती हैं। लेकिन ऐसा वो गर्मियों के मौसम में ही करती हैं, क्योंकि ये इनके अंडे देने का मौसम है। इसलिए खून पीकर ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहती हैं। केमन इनसे बचने के लिए भले डुबकी लगा ले, पर जब वो फिर ऊपर आता है तो ये फिर इसके ऊपर आकर जम जाती हैं। बेचारे का दिन ही खराब है। निराशा में आशा की एक किरण नजर आई है। सूरज चमक रहा है। गर्मियों के मौसम में बारिश कम होती है, ऐसे में इसके पास धूप सेंकने की ज्यादा गुंजाइश रहती है और खाना ढूंढने की ताकत भी ज्यादा रहती है। केमन ठंडे खून वाले यानी एक्टोथर्मिक जानवर हैं, इसलिए अगर इन्हें चलना है तो धूप सेंकना जरूरी है। ये जितने ठंडे होते हैं इनका शरीर उतना ही सुस्त हो जाता है, यहां तक कि ये शिकार भी नहीं कर पाते। अमेज़न की सरीसृपों की 400 प्रजातियों में से ये एक है। इन सब की तरह येलो स्पॉटेड रिवर टर्टल को भी जिंदा रहने के लिए धूप सेंकनी पड़ती है। ये पानी में रहते हैं, पर धूप सेंकने के लिए इन्हें सूखी जगह पर आना पड़ता है। चूंकि पानी घट गया है, ऐसे में नदी भी सिकुड़ गई है, इसलिए धूप सेंकने की जगहें भी कम हो गई हैं। जैसे पानी में ये लट्ठा जिसके लिए खींचतान मची हुई है। लेकिन एक समझदार कछुए ने सोचा कि इस तरह लड़कर क्या हासिल होगा। ऐसे हालात में चालाकी से काम करना ठीक रहता है। ये पीछे की तरफ से इस लट्ठे पर आ गया है। गर्मियों के इस सूखे मौसम में कुछ जीवों के लिए चुनौती होती है एक गीली जगह ढूंढना।
जंगल का एक सबसे छोटा उभयचर जीव साल के इन दिनों में मुसीबत में पड़ जाता है। आमतौर पर यह मेंढक अपना अच्छी तरह ख्याल रख सकता है। यह है पॉइजन डार्ट फ्रॉग, 5 सेंटीमीटर से भी कम लंबा और 50 ग्राम से भी कम वजनी। ये जंगल का सबसे बड़ा कातिल है। ये जहरीले गुबरेलों, घुन और चींटियों को खाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अपने शिकार में से जहर को अलग करके अपने भीतर जमा कर लेते हैं और अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी चमड़ी से इसका रिसाव करते हैं। इनमें जो सबसे जहरीला मेंढक होता है उसके जहर में 10 इंसानों को मारने की ताकत होती है। पर इन जहरीले मेंढकों का एक नर्म रूप भी है। ये बहुत ही समर्पित माता पिता होते हैं। ये है 3 पट्टियों वाला पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो अभी अभी पिता बना है। अंडे देने के बाद मादा को उनकी कोई परवाह नहीं होती और यह जिम्मेदारी नर उठाता है। ये मेंढक साल भर प्रजनन करते हैं, पर इस नए नए पिता बने मेंढक ने अपना परिवार बढ़ाने का सबसे मुश्किल मौसम चुना है। इसके बच्चे अभी टैडपोल अवस्था में हैं। इनके लिए इसे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। एक छोटा सा ताजा पानी का पोखर जो छिपा हुआ हो और वहां इतना पानी हो कि इसके बच्चे सुकून से बड़े हो सकें। पर गर्मियों के मौसम में ऐसी जगह मिलना मुश्किल है। समय बहुत कम है। अगर इसे जल्दी ही सही जगह ना मिली तो इसके बच्चे सूख कर मर जाएंगे। पर यह नर आसानी से हार नहीं मानेगा। इसे जमीन पर एक पत्ती मिल गई है और इतना पानी कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित पूल बनाया जा सके। करीब 6 हफ्तों में ये टैडपोल अच्छे खासे मेंढक बन जाएंगे। और ये जिम्मेदार पिता तब तक इनकी हिफाजत करता रहेगा। अगर इसने समय सही रखा है तो इन जहरीले फुदकीले मेंढकों की अगली पीढ़ी गर्मियों का मौसम बीतते बीतते अपनी देखभाल खुद करने लायक हो जाएगी। अमेज़न का एक और बाशिंदा है जो गर्मियों के मौसम में बच्चे पैदा करने की अच्छी खासी तैयारी कर लेना चाहता है। बस कुछ ही हफ्तों में बच्चे आ जाएंगे, इसलिए ये मादा वाटसन घोंसले के लिए टहनियां जमा कर रही है। ये पानी पर फैली डाल पर घोंसला बनाएगी और 2 या 3 अंडे देगी। ये बड़ा ही जोखिम का काम है, खास तौर पर इन नासमझ पक्षियों के लिए। वाटसन 6.4 करोड़ साल पुराने पक्षी हैं, आधुनिक पक्षियों और डायनासोर के बीच की कड़ी। इन्हें पहली नजर में देखकर लगता नहीं है कि ये प्रजाति इतने लंबे समय से जीती चली आ रही है। अजीब सी काया, नीला चेहरा और लड़खड़ाते से दिखने वाले ये पक्षी अमेज़न की बाकी प्रजातियों जैसे आक्रामक नहीं हैं। हालांकि इनके पंख बड़े होते हैं,
पर ये उड़ने में इतने माहिर नहीं हैं, बल्कि ये डालियों पर चलकर आगे बढ़ते हैं। देखकर लगता है कि ये कैसे जिंदा रह पाएंगे, पर आज तक इनकी अच्छी खासी तादाद बनी हुई है। इसकी वजह है जिंदा रहने की इनकी अनूठी रणनीति। ये बदबूदार होते हैं। अपनी बदबू की वजह से ही इनका नाम स्टिंक बर्ड पड़ गया है। और इसकी वजह है इनकी खुराक। बाकी पक्षियों के उलट वर्डजिन ज्यादातर पत्तियां खाते हैं। ये शाकाहारी हैं। पक्षियों की दुनिया में ये गाय जैसे हैं। ये अकेले ऐसे पक्षी हैं जिनकी खुराक वाकई अजीब है। मैनग्रोव की कड़क पत्तियां पचाने में बहुत मुश्किल होती है। एक पत्ती को पचाने में 2 दिन लग जाते हैं। इसकी वजह से इनकी गंध सड़ती हुई खाद की तरह होती है, और इस बदबू की वजह से ही ये आज तक जिंदा बच पाए हैं। इनका तकरीबन कोई शिकारी ही नहीं है। लेकिन सिर्फ बदबू से इनकी जिंदगी आसान नहीं हो जाती। इस मादा को कदम कदम पर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रजनन का मौसम है और बहुत ही मुश्किल समय। जैसे ही ये अंडे देती है, हमलावर इतने लालच में आ जाते हैं कि वो इसकी बदबू की परवाह ना करते हुए अंडों को खाना चाहते हैं। जब बारिश शुरू होगी तब इस इलाके में बाढ़ आ जाएगी, यानी अगली पीढ़ी भी उसमें बह सकती है। इसलिए इस मादा ने अपने घोंसले के लिए पानी पर झूलती एक डाल को चुना है, ताकि बारिश आए तो ये और इसके 2 या 3 चूजे जमीनी हमलावरों से दूर रहें, सूखे और सुरक्षित। इसकी खासियत है घने झुरमुट में इतनी छिपी जगह चुनना कि पैनी निगाह वाले किसी हमलावर की निगाह भी यहां पहुंच ना पाए। अगर पहुंच भी गई तो वर्डजिन्स उनसे निपट सकते हैं। अगर कोई शिकारी पक्षी आया तो वयस्क वर्डजिन तेजी से भाग जाते हैं, ताकि हमलावर का ध्यान चूजों से भटक जाए। पिछले साल पैदा हुए बच्चे अभी भी यहां रह रहे हैं। ये अपने छोटे भाई बहनों की हिफाजत करते हैं। ज्यादातर पक्षियों की तरह ये अजीब से पक्षी भी अपने चूजों को पचाया हुआ खाना देते हैं, वो भी बहुत ही कम उम्र से। गर्मियों का मौसम अभी बीता नहीं है, पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब अक्सर ही बारिश हो जाती है। कुछ जीवों ने तो आने वाले मौसम की तैयारी भी करना शुरू कर दी है। ये है फेरो एंट्स। ये अपने लिए नया घर तलाश रही हैं। जो बचे खुचे सूखे दिन हैं, उनमें ये लाखों सदस्यों के अपने परिवार को नई जगह पर शिफ्ट कर देंगे। इस समय इनकी बस्ती जंगल की जमीन पर है, जिसमें जमीन के अंदर कोठरियां भी हैं। ये यहां रहीं तो पानी इनके घरों में घुस जाएगा और ये डूबकर मर जाएंगी। शुक्र है कि इनके पास मौसम की जानकारी का तरीका है। सभी चींटियों की तरह ये भी अपने बाह्य कंकाल में मौजूद बारीक छेदों से सांस लेती हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इनसे ये हवा के दबाव में अचानक हुई कमी को पहचान लेती हैं। ये बारिश का पक्का संकेत होता है। भले ही इन्हें पहले से चेतावनी मिल जाती है, पर नई जगह ढूंढना और इतने बड़े हुजूम को वहां से ले जाना आसान काम नहीं है। चींटियां टोली में काम करने में माहिर होती हैं। ये जरूरी भी होता है जब कोई सिर्फ 2 मिलीमीटर बड़ा हो। ये स्पर्श और फेरोमोन्स के जरिए आपस में बातचीत करती हैं। ये लकीर खींचती चलती हैं, जिसके सहारे बाकी लोग भी आ जाते हैं। इस तरह जंगल में भटकते हुए भी ये आपस में संपर्क में रहती हैं। बारिश के लिए इन्हें घोंसला बनाने की एक नई जगह मिल गई है। लंबे समय से सूखे पेड़ का यह खोखला तना। उम्मीद है कि इतने ऊपर बाढ़ का पानी आ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चींटियां ही बदहवासी में हैं। यह है नन्हा रेड साइड नेक्ड रिवर टर्टल, वर्षावन की एक सबसे दुर्लभ प्रजाति। इसे भी एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है। इसे एक ऐसा शांत पोखर ढूंढना है जहां ये बारिश के तूफानी मौसम को सही सलामत रहकर बिता दे। बारिश आने पर वर्षावन के तमाम निचले इलाके पानी में डूब जाते हैं। जिन प्रजातियों ने पानी की आदत डाल ली है, उन्हें भी अंदरूनी इलाकों में जाना पड़ता है, वरना बह जाने का खतरा रहता है। इस कछुए को जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि अभी जंगल की सूखी जमीन पर आसानी से चला जा सकता है। 6 मिलीमीटर के इस जीव के लिए यह बड़ा मुश्किल काम है। इतने नन्हे पैर जो चढ़ने की बजाय तैरने के लिए बने हैं। इसकी इस मामूली सी काया के सामने जंगल का ये इलाका किसी ऊंचे पहाड़ जैसा ही तो है। इस पर कोई भी हमला कर सकता है। एक तो इसके सिर का चटक रंग, जो अमेज़न के हजारों हमलावरों को बता देता है कि नन्हा नाश्ता हाजिर है। इसके कवच का आसपास की जगह के रंग से मिल जाना इसकी जान बचाने में मदद करता है, चाहे वो पत्तियों का कचरा हो या फिर कीचड़। सुरक्षित जगह पर पहुंचने की हड़बड़ी में इसने एक जानलेवा गलती कर दी है। ये आधा डूब गया है, पलट भी गया है। यहां से जो भी हमलावर गुजरेगा उसकी दावत हो जाएगी। ये हवा में सांस लेता है, अगर पानी में ज्यादा देर रहा तो मर भी सकता है। ये कछुए इतने दुर्लभ हैं कि एक सदस्य की वक्त से पहले मौत इस प्रजाति के लिए एक बड़ा झटका होगी। इसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह सही वक्त पर इसने खुद को सीधा किया और चल पड़ा अपने रास्ते पर। इसने सचमुच राहत की सांस ली है। जीवन की ये मुश्किलें बड़े सबक सिखाती हैं। इसने जान लिया है कि अमेज़न में पलक झपकते ही सब उलट पुलट हो सकता है। गर्मियां बीत गई हैं, बादलों का गरजना बरसना शुरू हो गया है। बारिश कुदरत का त्योहार है।
पूरे वर्षावन में नई पत्तियां उग आई हैं, जो हवा में और ज्यादा नमी घोल रही हैं। इससे हवा बहती है और इस अतिरिक्त नमी को अटलांटिक और कैरिबियन सागर तक ले जाती है। विशाल बादल जमा हो जाते हैं, फुहारें अक्सर देर तक बरसती हैं और फिर पूरे धमाके के साथ घटाएं खूब बरसती हैं। बारिश के दिनों में पत्तियों पर बनी ये खास धारियां पानी को जमीन पर गिराती हैं और आखिरकार ये पानी अमेज़न नदी में मिल जाता है। एंडीज पर्वतों से पिघली बर्फ का पानी नदी में पहले से है। इस तरह नदी फिर भर जाती है, किनारों पर बाढ़ आ जाती है। अमेज़न के बाढ़ वाले मैदानों से होती हुई ये करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में बहती है। समुद्री सतह से 100 मीटर से भी नीचे मौजूद निचले जंगलों के इन पेड़ों में इस बाढ़ से निपटने की काबिलियत होती है। वक्त के साथ इनकी छाल ऐसी बन गई है कि डूबने पर भी सड़ती नहीं है। इनकी ये विशाल जटानुमा जड़ें इन्हें थामे रहती हैं, बहने नहीं देती। बाढ़ का ये बहता हुआ पानी ही इस वर्षावन को लगातार बचाए हुए है। जंगल की उपजाऊ जमीन से घुले पोषक तलछट ने पानी का रंग मटमैला कर दिया है। ये तलछट किनारे पर जाकर जमा हो जाती है।